हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? डिस्कशन चल रहा है रियल नंबर का, और रियल नंबर में ये लेक्चर नंबर बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा है। लगभग ये सेवन है। लेक्चर नंबर सेवन में हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड हैं। किससे? इरेशनल नंबर से रिलेटेड हैं। अब इरेशनल नंबर से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उससे पहले हमें ये जानना चाहिए क्या कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जो है बच्चों, वो आपने पहले ही कहा है कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, या मिक्सचर है किसका, जल्दी बोलो, प्राइम नंबर का और कंपोजिट, प्राइम का, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो रियल नंबर है वो मिक्सचर है किसका, रेशनल नंबर का। प्राइम की तो बाद में बात करेंगे, रेशनल नंबर में और इरेशनल, ध्यान से देखना। अगर ये रेशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन है तो ध्यान देने वाली बात है, मिक्सचर है तो समझना है। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आज के डेट में बात करेंगे अपरिमेय संख्या। बच्चों, मैं राघवेंद्र पांडे, जय करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए आप पर डे शाम को मिलते हैं हमसे, इसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और कंटिन्यू करते हैं हम इस सेशन को। आज हम प्रूफ करके देखेंगे कि क्या अपरिमेय संख्याओं के क्या गुण होते हैं और क्या नहीं होते हैं, मतलब कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कौन से फीचर्स नहीं होते, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? अपरिमेय। अभी जब आपने अपरिमेय संख्याओं की बात की तो अपरिमेय संख्याओं को पढ़ते पढ़ते हमको ये भी देखने का याद आ गया। चलो अच्छा, एक बार हम डेफिनेशन बोलते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का डेफिनेशन क्या होता है, जल्दी बोलो। क्लास नाइन्थ में आपने अपरिमेय संख्याओं, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। चलो जल्दी बोलो, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे सभी वास्तविक संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। क्या मैंने कहा कि जिन्हें आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे सारी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब ध्यान देना, p और q ये दोनों क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? p और q एक पूर्णांक है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि q नॉट इक्वल टू जीरो। क्या है? q नॉट इक्वल टू जीरो है, इसीलिए आप नहीं लिख सकते। और जब ये q नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ये क्या हो जाती है? इसीलिए ये परिमेय नहीं, कौन सी संख्या हो जाती है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। इतनी सारी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्या मैंने कहा कि जो इरेशनल जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं तो होती हैं, लेकिन ध्यान रहे वो परिमेय संख्या नहीं होती। क्या? अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो होती हैं लेकिन अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। और इनको आप परिमेय संख्याएं नहीं होती, आप p बाई क्यू के रूप में इसको नहीं लिख सकते, इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ध्यान रहे, p और q एक पूर्णांक होता है, लेकिन वहीं q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्या? q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इसीलिए ऐसी संख्याएं क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जैसे कुछ अपरिमेय संख्याओं के अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं √2। किसकी बात करिए? √2 की। √3 की बात करिए, √5 की बात करिए, √7 की बात करिए, पाई की बात करिए, ये बहुत सारे हैं। ये सारे क्या हैं? एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ये क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं किसके? अपरिमेय संख्याओं के। क्लियर हुआ इतना? अगर इतना क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इनका प्रूफ करते हैं कि क्या है ये अपरिमेय संख्याएं हैं नहीं है। और इसके लिए सबसे छोटा हमने √2 लिखा था, ध्यान दिया आपने, √2 लिखा था। इसका मतलब √2, √3, हम √2 को प्रूफ करेंगे। आप ऐसे ही √3 को, √4 को, √5 को, 7 को, 11 को, 13 को आप प्रूफ कर सकते हैं। आप किसी को भी, ये एग्जाम में आते भी हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? आपको प्रूफ करना होता है कि एक अपरिमेय संख्या है, पर इसकी बात तो थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम सिद्ध करते हैं, एक नंबर लेते हैं छोटा सा जो हम √2 को प्रूफ करने वाले हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। √2
क्यों अपरिमेय संख्या है इस पर थोड़ा सा पहले हम बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो पूर्ण वर्ग ना हो, अगर ये पूर्ण वर्ग होता तो एक परिमेय संख्या हो जाता ना, ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है किसी का। चेक करो क्यों, क्योंकि एक का अगर हम स्क्वायर लिखें तो एक ही आएगा, अगर हम दो का स्क्वायर कर दें तो ये चार हो जाएगा, और चार तो इससे बहुत पहले है। इसका मतलब दो का वर्ग दो का जो रूट टू जो है, मतलब रूट टू जो है, जो टू है वो किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक का तो वर्ग एक ही होगा, लेकिन एक से ज्यादा का वर्ग हो सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा का वर्ग होगा तो वो पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक का वर्ग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप दो की बात करें तो ये किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं हो सकता। रीजन ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर मैं वन का स्क्वायर कर दूं तो वन ही आएगा। अब वन पॉइंट समथिंग का स्क्वायर हो सकता है टू आए, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस पर डिस्कशन हम थोड़ा सा देर में करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि टू जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब किसी संख्या का वर्ग नहीं है जो दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वन का तो स्क्वायर है लेकिन नहीं है, और ये किसी पूर्णांक का भी वर्ग नहीं है। भाई पूर्णांक का भी वर्ग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दो अगर किसी पूर्णांक का वर्ग होता तो दो पूर्णांक क्या है, वन है, और वन के बाद में फिर टू है, और वन और टू के बीच में क्या है, सारे के सारे पूर्णांक नहीं है, इसके बाद डेसिमल नंबर है, इसके बीच में जो भी आएंगे वो दशमलव संख्याएं आएंगी। क्या इस बात को क्लियर कर पा रहे हैं आप? तो इसके बीच में दशमलव संख्याएं आएंगी और दशमलव का भी पूर्णांक नहीं हो सकता। क्लियरिटी आ रही है? तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम आगे करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर कोई भी नंबर दशमलव नंबर का वर्ग होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर दशमलव संख्याओं का वर्ग है, इसका मतलब दशमलव संख्याओं को हमेशा आप पी, जैसे मैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, थोड़ा सा बोलूंगा, जैसे मान लीजिए 2.5 है। अब अगर 2.5 है इसका मतलब ये पी बाई क्यू के रूप में है, ये दशमलव संख्या है, इसका मतलब इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 10 से डिवाइड, इसका मतलब 25/10 हो जाएगा, 5 जा और 5 टू जा, यानी 5/2 आएगा। ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा है। क्या लिखा है? ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो 2.5 है ये क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपने कहा कि जब टू क्या है, कोई पूर्ण वर्ग नहीं है किसी संख्या का, दूसरी बात आपने कहा कि जो टू है वो किसी का पूर्ण वर्ग ना होने के साथ साथ वो किसी पी बाई क्यू यानी किसी दशमलव संख्या का स्क्वायर है, एक एग्जांपल लीजिएगा, और अगर आपने दशमलव संख्या का स्क्वायर है आप कहेंगे तो इसको कह सकते हैं कि पी बाई क्यू का होल स्क्वायर अगर लिखें तो ये टू होगा। एक एग्जांपल लीजिएगा, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में क्यू से हम गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में क्यू से गुणा करने पर, और जब क्यू से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू टू क्यू। इस क्यू से क्यू कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू, क्या, पी स्क्वायर बाई क्यू इक्वल टू टू क्यू। कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, क्या आपको क्लियर दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है, ये किस कंडीशन में बनेगा, ऐसा बन जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, जब इसकी बात किया गया तो ये देखो ध्यान से, टू क्यू लिखा है। भाई सिंपल सी बात है, अगर इस इक्वेशन को देखो कि 2q इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर, यहाँ देखो 2q इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू लिखा है। अगर 2q इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू है, इसका मतलब कह सकते हो कि आप ये जो 2q है एक पूर्णांक संख्या है। अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्लियरिटी आ रही है? और अगर दूसरी बात हम यहां करें, यहां से P और Q की बात करें, अगर हम P और Q की बात करें तो ये कोई सार्वभाजक भी नहीं है, ये दोनों क्या है, सार्वभाजक भी नहीं है। P योंग Q कोई सार्वभाजक भी नहीं है, और अगर ये सार्वभाजक नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ ना, तो पी क्यू स्क्वायर भी, तो फिर अगर हम इसकी बात करें तो पी स्क्वायर और क्यू भी कोई सार्वभाजक नहीं होगा, क्यू भी कोई सार्वभाजक नहीं होगा।
और अगर ये कोई सार्वभाजक नहीं है, क्लियर हो रहा है ना, अगर ये कोई सार्वभाजक नहीं है तो इसका मतलब ये जो Q है वो क्या है, इसका मतलब ग्रेटर देन वन है। क्या है? Q ग्रेटर देन वन है। और अगर ये Q ग्रेटर देन वन हो जाए गलती से भी तो P स्क्वायर Q पूर्णांक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पूर्णांक नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, जल्दी बोलो, इसका मतलब अगर ये पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये कोई क्या है, भिन्न संख्या है। जल्दी बोलो, कोई भिन्न संख्या है। क्लियर ठीक आई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि 2q यानी कि सॉरी p स्क्वायर बाई q नॉट इक्वल टू 2q। इसका मतलब p स्क्वायर q जो है 2q के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या नहीं है, ये डेसिमल नंबर आ रहा है और ये पूर्णांक आ रहा है। तो कभी भी आप किसी संख्या को ऐसे नहीं कह सकते ना कि ये पूर्णांक संख्या है और ये अपूर्णांक संख्या नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूं और मैं टीचर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मुझे मैथमेटिक्स आता है या मैथमेटिक्स अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं टीचर हूं। क्लियर आ रही है? इसका मतलब अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ये अगर ये पूर्णांक है, 2q क्या है, एक पूर्णांक हो गया, और 2q पूर्णांक है तो p स्क्वायर बाई q पूर्णांक नहीं है, और अगर p स्क्वायर q पूर्णांक नहीं है तो पूर्णांक नहीं है बराबर पूर्णांक है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि p स्क्वायर बाई q नॉट इक्वल टू 2q, इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जो हमने इमेजिन किया था कि 2 जो है वो किसी परिमेय संख्या यानी कोई p बाई q नंबर है, उस नंबर का पूर्ण वर्ग है, तो वो पूर्णतः क्या है, गलत। क्या है वो पूर्णतः? क्या हो गया? गलत हो गया, असत्य हो गया। जल्दी बोलो, मेरा अजम्पशन क्या हो गया? ये गलत हो गया। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। क्या कह सकते हैं? इसका मतलब कि 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। मैंने क्या कहा कि 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। अतः 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। क्लियर हो गया? इतनी बातें जब क्लियर हो जाए तब हम आगे की बात करें। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई कि 2 किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है, इसका मतलब अगर ये नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ? अतः यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बात करते हैं, अगर ये मैं 2 की बात करूं, अभी तक तो हमने 2 की बात किया, अगर मैं अगर 3 की बात करूं तो 3 भी किसी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। 3 भी किसी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। अगर हम 5 की बात करें, अगर हम पाई की बात करें, ये भी किसी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। अतः ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? एक चीज तो प्रूफ हुआ कि 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। अब अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। अब यहां पाइथागोरस का बात आएगा। क्या आएगा? इन सारी चीजों को स्टडी करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का अपरिमेय संख्याओं के साथ क्या संबंध है, इस पर हम बात करेंगे। मतलब अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे बच्चों। क्या करेंगे? हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं हिट किया है, अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया है, तो जस्ट शेयर करें। और जय करियर फाउंडेशन की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों यहां तक देखने के लिए।